31 नंबर प्रश्न कर रहा है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ही किए थे, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुआ था, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो याद रखिएगा ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। अगर प्रश्न पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वह नई पीढ़ियों के हाथ में है, यानी कि 35 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।